उदार हृदय, दयालु वचन और सेवा में अर्पित जीवन और करुणा, ये मानव का मूल मंत्र है जो एक दूसरे में मानवता को उजागर करेंगे और उसके विकास के लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी बनेंगे। हम आप लोग जानते हैं अभी का समय जो है बिहार के लिए बहुत ही खास है, जिसमें आप सबको अपने क्षेत्र में अपने राज्य के लिए एक प्रतिनिधित्व चुनने की जरूरत है। तो कैसे करें सही नेता का चयन, कैसे करें सही विधायक का चयन, कैसे अपना अच्छा से अच्छा प्रतिनिधित्व चुनें आप, तो मैं कुछ वैसे पॉइंट को बताऊंगा जिस पे आप ध्यान देके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए आप कौन सा उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या फिर राष्ट्रीय दल हो या फिर कोई दल का ही नहीं हो, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार हो, आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एक उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, क्योंकि आपके क्षेत्र का विकास, आपके विधानसभा, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास विधायक करेंगे। वो आप कभी भी ध्यान न दें कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे संविधान में ऐसा है कि हम लोग विधायक चुनते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और वो विधायक या जनप्रतिनिधि का काम है कि वो किस मुख्यमंत्री को चुनेंगे। सो अपना दायित्व निभाएं, आप इस पे ध्यान दें कि आपका अच्छा से अच्छा विधायक कौन हो, आपका अच्छा से अच्छा प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है, आप इस पे ध्यान दें। जो जो ऐसा प्रतिनिधित्व होना चाहिए आपके क्षेत्र का, ऐसा क्योंकि आपका ऐसा विधायक होना चाहिए, और जब लोकसभा का इलेक्शन होता हो तो ऐसा सांसद होना चाहिए जो कि जो विज्ञान को महत्व देता हो, जो विज्ञान को महत्व देता हो, जो साइंस को महत्व देता हो, जो उस जिस जो पहचानता हो कि साइंस ही है कि जो मनुष्य का, राज्य का, देश का और पूरे संसार का विकास कर सकता है, वैसा लोगों को आपको कभी भी नहीं चुनना चाहिए जो धर्म को या फिर जो जो अंधविश्वास को मानता हो या फिर जो धर्म को आगे करके आप सब आपका वोट लेना चाहता हो। वैसा आप जितना भी आपके विधानसभा लोकसभा में जिसने आवेदन दिया है अपने प्रतिनिधित्व के लिए, आप उसके बारे में देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें, उसको आप अगर नज़दीक से जानते हो तो डायरेक्टली देखें कि अब वो व्यक्ति अगर भगवान को मानता है, वो व्यक्ति अगर मंदिर जानता है जाता है, वो व्यक्ति अगर कर्म कांड को मानता है तो वो आपका विकास नहीं कर सकता है। वो क्योंकि अंधभक्त है, वो साइंस को मानने वाला नहीं है, वो धर्म को मानने वाला है, वो अंधविश्वास को मानने वाला है। और देश और दुनिया में एक रिसर्च के हिसाब से जहाँ जहाँ भी धर्म को धर्म वैसा प्रतिनिधित्व जो धर्म को मानता है चुना गया है, वो और वैसा प्रतिनिधित्व अपने क्षेत्र के विकास तो दूर की बात, वो और गर्त में लेके गया है, ऐसा एक रिसर्च में अभी आया है। इसीलिए और ऐसा भी है कि एक रिसर्च किया गया जिसमें पता चला कि वैसा प्रतिनिधित्व जो साइंस को मानता है, जो साइंटिफिक है, वो विकास को एकदम चरम पे लेके जाएगा। आपका जो आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो विकास है, जो मनुष्य का एक विकास होना चाहिए, चाहे वो रोटी, चाहे भोजन से रिलेटेड हो, क्वालिटी ऑफ फूड से रिलेटेड हो, कपड़ा दैट इज पहनावा हो, उसका किस तरह का पहनावा होना चाहिए, मकान उसका किस तरह का होना चाहिए कि पर्यावरण से भी, चाहे वो गर्मी आए ठंडा है, तो इस रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, इस उत्तम क्वालिटी का शिक्षा जो साइंटिफिक हो उसको महत्व देता हो, चिकित्सा की व्यवस्था जब आप बीमार होते हो या फिर ऐसा कोई आप ऐसा कोई सिनेरियो बनता है जब आप जो मनुष्य को इफेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए आपको पहले से भूमिका तैयार करके रखता है, जिससे कि आप बीमार कम हो, जिससे आपके आपका स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है।
और आपके रोजगार के लिए वो ध्यान देगा, वो आपके लिए आत्मसम्मान की बात करेगा और उस पे अमल करेगा। केवल बात बात करने वाले बहुत नेता, आप जब भारत की आज़ादी से लेके अभी तक जो है बात करने वाले बहुत है, काम करने वाले। तो आपको जो भी पढ़ते हैं जिसने भी आवेदन किया है अपने प्रतिनिधित्व बनने के लिए, जो भी इलेक्शन लड़ रहा है विधानसभा के लिए, जब ये लोकसभा के लिए कोई लड़ेगा, तो आप ध्यान दें कि वो आदमी साइंटिफिक होना चाहिए। वो आपका एक आप जब इस तरह के आदमी को चुनेंगे तो आपका विकास होगा। आप मुख्यमंत्री आपका विकास नहीं करेगा, आपका विकास, आपके क्षेत्र का विकास, जो बुनियादी ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य आत्मसम्मान बिजली सड़क रोड पानी, ये सब मुहैया आपके विधायक कराएंगे। आप मुख्यमंत्री पे बिल्कुल न ध्यान दें कि आपका मुख्यमंत्री कौन हो, क्योंकि और उसके लिए आपको जो जो साइंटिफिक टेम्पर का प्रतिनिधित्व है उसको चुनना चाहिए, नहीं तो आप फिर से गर्त में चले जाएंगे। आप दुख दुख का रोना रोते रहेंगे, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं रहेगा। और जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने पार्टी के फायदे के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए ही इलेक्शन लड़ते हैं और पैसा बनाते हैं और अपना उनका उनका खुद का विकास वो करते हैं। वो पब्लिक के लिए, वो जनता के लिए कभी भी नहीं सोचते हैं। वो बोलते भले ही हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब करने का रहेगा तो वो दाएं बाएं करके किसी भी तरह काम पब्लिक का नहीं करेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे। और वो सारे जो भी काम जो अपने स्वार्थ के लिए, जो अपना धन संपत्ति है उसको बढ़ाने के लिए हमेशा वो करते रहेंगे। तो अगर कोई पहले जनप्रतिनिधि रहा है या बना हो तो उसके धन एवं संपत्ति की आप जाँच कीजिए। और अगर उसका धन संपत्ति, जैसे कोई विधायक है तो उसका मोटा मोटी माना जाता है कि 1 लाख उसको सैलरी मिलता है, तो अगर 5 साल उसने विधायक के पद पर रहा है तो उसको उसकी संपत्ति मैक्सिमम, अगर कुछ उसने खर्चा नहीं किया, 0 खर्चा किया है, तो 60 लाख से ज़्यादा उसका संपत्ति नहीं होना चाहिए, बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन उस अभी बुनियादी ज़रूरतें भी तो हैं लोगों की, अगर विधायक भी है तो एक मानव है, उसकी भी अपनी एक बुनियादी ज़रूरतें होगी, उसको खर्च करने उसको पूरा करने के लिए कुछ तो उसको खर्च करना चाहिए था। तो उस व्यक्ति की आप धन संपत्ति और आय की जांच करें, उसको आप ऑनलाइन देखें गूगल पे डाल पे कि उसकी अभी जो उसने अप्लाई किया है अपने नामांकन के लिए उसमें उसका कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। अगर वो वृद्धि अगर उसके वेतन से ज़्यादा है, इसका मतलब वो विधायक आपके लिए जनप्रतिनिधित्व, चाहे वो आप किसी भी विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर राज्य का हो, राज्य के किसी भी क्षेत्र का हो, वो आपके जनप्रतिनिधि कतई नहीं होना चाहिए। अगर वो फिर से हुआ तो आपको वो आपके आपका जो अधिकार है हक की हकमारी करके और वो अपना धन संपत्ति बढ़ाएगा वो, और वो आपके लिए काम नहीं करेगा। वो हमेशा या तो अपने दल के लिए और उसका और या फिर अपने स्वार्थ के लिए अपने पद का इस्तेमाल करेगा। और इस तरह के नेता को अगर आपको पता चलता है तो आप उसको रिजेक्ट करें, उसको वोटिंग नहीं करें, चाहे वो आप किसी भी कीमत से डराता हो, धमाका आता हो या फिर कुछ पैसे देता हो, दारू देता हो, कोई अल्कोहलिक सब्सटेंस देता हो या फिर खाने के लिए मुर्गा चिकन कुछ भी देता हो, आप उसकी बातों में ना आए। भले आप सामने से उसको बोले कि पैसा भी ले लें कि आप दे दो मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन आप उसको वोट ना करें और आप सही उम्मीदवार का ही चयन करें, मन मन में ही रखें और सही उम्मीदवार, जब जिस दिन वोटिंग हो इलेक्शन हो उस दिन सही उम्मीदवार का चयन करें और अपना जनप्रतिनिधित्व एक वैज्ञानिक सोच वाला साइंटिफिक मेंटर वाले लोग को चुने। और जो व्यक्तिगत तौर पर वैसे लोगों को आपको आपको सिलेक्ट करना चाहिए, आपको 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 प्रायोरिटी देना चाहिए, जो कि जिसका जो कि खाने पीने के लिए उसको आपके पद का विधायक के सैलरी का या फिर लूट खसूट नहीं करो, जिसको ऑलरेडी अल्टरनेटिव कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, जीविका उपार्जन के लिए जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो आपका विकास कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिसको धन है या फिर पैसा है वो और धन नहीं बनाना चाहता है, लेकिन यूजुअली वैसे लोग जो जिसको सोर्स अल्टरनेटिव इनकम है आने का, जिसको रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी ज़रूरत है वो दूसरे सोर्स से पता जो प्राप्त कर पाता हो और
अपना 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 जो विधायक बनने के बाद, जो जनप्रतिनिधि बनने के बाद, चाहे सांसद बनने के बाद, वो पूर्ण रूपेण उस पैसा का इस्तेमाल नागरिक या जनता के विकास के लिए करता हो, उससे संबंधित जो जो भी अच्छे कार्य हो सकते हैं उसको करने के लिए उसकी मनसा हो, वैसे लोगों को आप वोट करें, वैसे लोगों को आप चुनाव करें। नहीं तो आपके क्षेत्र में आपका विधायक ही भ्रष्टाचार करके आपको गर्त में लेके जाएगा, आपके नीचे लेके जाएगा, आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी वो दिन ब दिन खराब होते जाएगी, और वो खुद का अपना क्वालिटी वो अपने लिए बहुत सारे घर बनाएगा, प्रॉपर्टी जमा करेगा, बहुत सारे फैक्ट्री खोलेगा, बहुत सारे, लेकिन आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। वैसे व्यक्ति को आपको चुनना चाहिए जो कि संविधान एवं जनता के अधिकार की बात करता हो, और उसकी कार्यशैली को भी आप आकलन करें कि क्या वो कार्य संवैधानिक हो रहा है, या फिर वो जनता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा है। इसकी झलक आपके जनप्रतिनिधि में अवश्य दिखाई देनी चाहिए, उस नेता को ही सिलेक्ट करें, नहीं तो अगर ऐसी झलक नहीं देता है तो उस नेता को रिजेक्ट करें। नेता चाहे कोई भी पार्टी का हो या ना हो, आप अच्छा विधायक का चयन करें, आप अच्छा सांसद का चयन करें, इस पर ध्यान ना दें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आपके अपने विधानसभा का विकास का कार्य एवं मुद्दा, आपके जो मुद्दा है, लोकल मुद्दा है, आपके विधायक और सांसद उठाते हैं, ना कि मुख्यमंत्री। अब अच्छे विधायक का, अच्छे सांसद का चयन करें, चाहे नेता किसी भी पार्टी से हो, या कोई पार्टी से हो या ना हो, या निर्दलीय हो, आपके लिए वो काम करेगा, आपका भविष्य अच्छा करेगा। आप इन सब बातों का ध्यान रखें और अच्छा जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। इन सब बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार की और पूरे देश की जनता अच्छे विधायक, अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे सांसद का चुनाव करेगी और हमारा विधानसभा, हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य और देश एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। धन्यवाद।